अस्सलाम वालेकुम प्रेजेंटेशन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, ये एक एम्बरग्रेस है जो थोड़ी देर पहले मुझे रिसीव हुई है मेरे ऑफिस में। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं एम्बरग्रेस है, ये आप चेक करें इसका टेक्सचर तो आपको आइडिया होगा। इट्स अ ब्राउनिश, नॉट ब्लैक, नॉट प्रीमियम वाइट, इट फॉल्स समवेयर इन द मिडल। और ये बेसिकली मॉइस्ट है, बाय मॉइस्ट मीन इट्स नॉट वेरी ड्राई। तो जो परफ्यूमर हजरात बेसिकली परफ्यूम में एम्बरग्रिस का करैक्टर देना चाहते हैं, यानी एक एम्बरग्रिस का नोट देना चाहते हैं, तो वो हजरात जो हैं वो इस तरह की एम्बरग्रिस को ढूंढते हैं और फिर उसको या तो टिंचर करते हैं या फिर मैसरेट करते हैं संदल के अंदर, और जिसकी वजह से इसकी अंदर एक फ्रेगरेंस है जो एक्सप्लेन, मतलब कि नॉर्मली जो प्रीमियम ग्रेड एम्बरग्रिस होती है उसकी जो स्मेल होती है वो नॉर्मल नोजेस जो है स्निफ नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ही क्या कहते हैं सीश लाइटर टोन के अंदर होती है और वो यूज़ होती है जस्ट फॉर अ फिक्सेटिव पर्पसेस। लेकिन दिस एम्बरग्रिस इट हैज़ अ स्मेल और वो अरोमा बेसिकली एक यूनिक सा अरोमा है, एनामेलिक, लेदरी, नॉट ओवर पावरिंग और बुरा नहीं लगता। और वो जो है क्या कहते हैं जब आप इसको टिंचर करते हैं तो वो अच्छी क्या कहते हैं एक निकल करेक्टर निकल आता है उसका। अच्छा, आप नोटिस कर रहे हैं, ये देख रहे हैं स्क्विड बी के जो स्नेल्स होते हैं वो ये फंसे हुए हैं इसके अंदर। सो दिस इज़ व्हाट पीपल लुक फॉर, के जस्ट टू मेक श्योर के जो एम्बरग्रिस है वो जेन्युइन है। आई होप आपको ये थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और मैं इस तरह की जो छोटी छोटी वीडियोज़ हैं सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि जो नॉलेज है वो शेयर आउट होता रहे। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।